जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज एक विशेष ज्ञान दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र को जप कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको हवन करने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है और परमात्मा को याद करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल एक बहुत ज़्यादा हवा चल पड़ी है, बहुत से पोंगा पंडित कह लीजिए, तथाकथित कथावाचक कह लीजिए, जो अनपढ़ हैं ये कह लीजिए, या फिर ये बड़े बड़े दाढ़ी बाल वाले, मोटी मोटी माला लगा ली, मस्तक पे बड़ा चंदन लगा लिया, पूरा माथा उससे भर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वह है कि गायत्री मंत्रों को कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है। यदि आप समझदार हो तो गायत्री मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करो कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है वास्तव में, और महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है। हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको हवन करने का पूरा पूरा अधिकार है। क्योंकि मैं पिछले 30 साल से हजारों महिलाओं को, जिनकी गिनती नहीं है, हवन करवा चुका हूँ और उनकी प्रगति हुई है, उनको सुख समृद्धि शांति प्राप्त हुई है। और गायत्री मंत्र का जप करने से जो रोग और शोक दुख होता है खत्म हो जाता है, रोग नहीं लगते हैं, शोक नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं आता है, परेशानी नहीं आती है। मनुष्य आध्यात्म की नाव में बैठ करके इस भव सागर को पार कर लेता है, इसीलिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, किसी के बहकावे में मत आओ, ये पीले कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, बड़े बड़े माथे पर तिलक लगाने वाले, मोटी मोटी माला पहनने वाले, तथाकथित कथावाचक कह लीजिए, ढोंगी साधु संत कह लीजिए, इनके बहकावे में मत आइए। आपको गायत्री मंत्र का जप करिए और वास्तव में गायत्री मंत्र का अर्थ आप समझने का प्रयास करिए। किसी किताब से ले लीजिए, किसी बाबा से लीजिए, किसी प्रकांड पंडित से लीजिए, या फिर आपके पास भगवान ने मोबाइल दिया, उस मोबाइल पर गूगल पर सर्च करके देख लो कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। आप क्या बोल रहे हो गायत्री मंत्र के माध्यम से, बोलिए, जप करिए, हवन करिए, आपको पूरा पूरा अधिकार है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरी इस वाणी से बहुत से मनुष्यों को कष्ट हुआ होगा, और कष्ट हो तो होने दो, परंतु जिनको कष्ट हुआ है वह आपको आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करने से रोक रहे हैं और इसलिए आपको हवन करने से रोका जा रहा है। कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो निम्न किस्म का हो, चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ठाकुर हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को हवन करने का अधिकार है और गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।